पर बसे झीलों के दर्शन करने के लिए वहाँ तक पहुँचना सही में बहुत ही मेहनत और दृढ़ता की बात है, पर ऐसी झील और जगह हमारे द्वारा की गई मेहनत के लायक भी है और इस ऐसी मेहनत के काबिल है हिमालय की गोद में झीलों के खूबसूरत नज़ारे। ऐसी झीलों में से एक है सतोपंत झील, जो कई रहस्यों से भरी पड़ी है। उत्तराखंड में स्थित सतोपंत झील यहाँ के प्राकृतिक झीलों में से एक है। यह झील न सिर्फ धार्मिक लिहाज से बल्कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से विश्व में पर्यटन मानचित्र में दर्ज है। अक्सर प्राकृतिक झीलों का आकार गोल या चौकोर होता है, लेकिन यह अद्वितीय झील त्रिभुजाकार तिकोने आकार की है। भारतीय पर्यटकों को तो यह अपनी ओर लुभाती ही है, विदेशी पर्यटकों को भी अपने तेज से अछूती नहीं रखती। पर्यटक यहाँ मिलने वाले अद्भुत शांति और उसकी सुंदरता के कायल हैं। कई विदेशी सैलानियों को तो यह झील इतनी पसंद है कि पर्वतारोहण के लिए वे इस झील को उच्च प्राथमिकता देते हैं। आइए चलें, हम ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक और पवित्र झील के दर्शन करने चलते हैं। वहां तक पहुंचने वाले कठिन पर खूबसूरत परिदृश्यों के नज़ारों के साथ। सतोपन झील उत्तराखंड में हिमालय पर्वत पर बसा एक हिमरूप झील है। चौखम्बा शिखर की तलहटी पर बसा यह उत्तराखंड के सुरम्य झीलों में से एक है। इस पवित्र धार्मिक झील से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से दो कथाएं सबसे ज़्यादा लोगों के बीच प्रसिद्ध हैं। झील के नाम सतोपंत का अर्थ सतो मतलब सत्य और पंथ मतलब रास्ता, सत्य का रास्ता। कथाओं के अनुसार महाभारत के पांडव भाई इसी स्वर्ग के रास्ते से होते हुए स्वर्ग की ओर गए थे, इसीलिए इस झील का नाम सतोपंत झील पड़ गया। इसे धरती का पर स्वर्ग जाने का रास्ता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि युधिष्ठिर को इसी झील के समीप स्वर्ग का जाने के लिए आकाशीय वाहन की प्राप्ति हुई थी और इसलिए यह झील सतपंथ झील कहा जाने लगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश एकादशी के दिन इस झील में पधारे थे। तीनों देवताओं ने झील के अलग अलग कोनों पर खड़े होकर पवित्र डुबकी लगाई, इसलिए कहा जाता है कि यह झील त्रिभुज के आकार में है। इन्हीं कथाओं की वजह से सतोपंत झील का हिंदू धर्म में एक खास बड़ा महत्व है। सतोपंत झील सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, उत्तराखंड का ट्रैकिंग क्षेत्र भी है। सतोपंत ग्लेशियर में ट्रैकिंग के कई मुश्किल पड़ावों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ट्रैकिंग के दौरान आपको हिमालय क्षेत्र के कई ढलान बीहड़ और ऊंचे नीचे क्षेत्रों से गुजरना होता है। सतोपंत झील तक केवल ट्रैकिंग मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। यहां जाने से पहले आपको इनर लाइन परमिट के लिए आवेदन करना होगा, क्योंकि यह भारत तिब्बत सीमा के नज़दीक स्थित है। बद्रीनाथ से यह 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सतोपंत ग्लेशियर से जोशी मठ लगभग 70 किलोमीटर है और यहाँ पर माड़ा विलेज से जा सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मैं और भी इसी तरह से वीडियो आपको बनाकर दिखाती रहूँगी।